हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। आज हम करवा रहे हैं बीपीएससी एमबीआई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो है 9। अगर आप जो है शुरू से नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बात और है फ्रेंड्स, बात क्या है फ्रेंड्स कि जो है मैं फॉरेस्ट गार्ड, एक रिक्वायरमेंट निकला है बिहार की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड के लिए, है ना। फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से जो है वन विभाग की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकली है, जिसका जो है मैं पूरे डिटेल से बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इसमें जो है कैसे तैयारी होता है, क्या क्या सिलेबस है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ना, उसका कितना कटअप जाता है, मतलब कितना कटअप रहेगा, ये सब बताए हैं फ्रेंड्स डिटेल से। क्या सैलरी है ये सब बताया। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा। और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का तैयारी करने के लिए मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। और इसका जो है अगर तैयारी करना हो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। जो भी विद्यार्थी जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और उनको तैयारी करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो है हम इसका प्रीवियस ईयर और सहित जो है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें से आया हुआ सब जो है आप लोग को रिविज़न करवाएंगे। तो यही बात करना था फ्रेंड्स, नहीं देखें फिर बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इसे वॉच कर सकते हैं। इसमें जो है पूरे हम डिटेल से बता चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने प्रिपरेशन को। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं गौतम। फ्रेंड्स आज ये जो है बीपीएससी एमबीआई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है और ये जो है पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। जितने भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही जो है हम आप लोग को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा जितना भी देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स शुरू करें। और इसी तरह का प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ये हमारे टीम द्वारा गठित है फ्रेंड्स, तो आप जो है पूरे प्रश्न को वाच करेंगे। क्या है कि इन लाइन तथा बी शेप सिलेंडर के अतिरिक्त इंजन होते हैं, तो किस में होते इन लाइन, यानी कि ये सब पूरे बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में फिर बोलेंगे जाकर आप देखिए। इन लाइन मतलब अंदर की तरफ लाइन और वी शेप के अतिरिक्त इंजन क्या होता है, तो रेडियल सिलेंडर इंजन होता है। रेडियल सिलेंडर इंजन को ही हम इनलाइन शेप, है ना, इनलाइन तथा बी शेप सिलेंडर के अतिरिक्त जो है इंजन आता है, इसे जो है हम रेडियल सिलेंडर इंजन कहते हैं। कौन कौन इंजन को कहते हैं, वी शेप सिलेंडर को और वी इनलाइन इंजन को, है ना, इनलाइन को और वी शेप सिलेंडर को जो हम रेडियल सिलेंडर इंजन कहते हैं, ये नाम है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो 1.280 होता है। नेक्स्ट है कि एक लाइलर जिसे रुमाल स्टीम जेनी भी कहते हैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ये जो है स्प्रे पेंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्प्रे पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट है कि विद्युत की एक इकाई पैदा करने के लिए लगभग कितना कोयला जलता है, तो 1.6 केजी। विद्युत की एक यूनिट पैदा करने के लिए 1.6 किलो जो है कोयला जलता है, यानी 1.5 किलो के बराबर। नेक्स्ट है कि किसकी अपेक्षित ईंधन जो है खपत प्रति पावर आउटपुट अधिक होती है, तो इसकी जो है द्रव नोदक प्रयोग करने वाले रॉकेट इंजन की जो है खपत प्रति पावर आउटपुट जो है अधिक होता है। आउटपुट में जो है रॉकेट द्रव वाले नोदक वाले जो है रॉकेट इंजन का जो है आउटपुट खपत जो है अधिक होता है, है ना। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि किसकी अपेक्षित ईंधन खपत की प्रति पावर आउटपुट अधिक होती है, तो द्रव नोदक की। नेक्स्ट है कि प्रत्यगामी इंजन की तुलना में गैस टर्बाइन इंजन कितने खपत होती है। यहाँ पे मैनेज कर लीजिए फ्रेंड्स कि जो है कि जितना भी खर्च किया गया है ना इंजन में, जितना भी खर्च लगाया गया इंजन की तुलना में गैस टर्बाइन जो है कितना खपत होती है, इंजन में लगाया गया गैस टर्बाइन जो है इंजन में कितना खपत होता है। तो जो है दो प्रत्यगामी इंजन की तुलना में गैस टर्बाइन इंजन, ये दो प्रकार के इंजन है समझिएगा, एक गैस टर्बाइन इंजन है एक प्रत्यगामी इंजन है। तो वही बोल रहा है कि कितना खपत होता है ये दोनों की तुलना में, तो जो दोनों समान होता है। प्रत्यगामी एक प्रकार का इंजन होता है जो कि ईंधन से चलता है, और गैस टर्बाइन से चलता है, तो दोनों में बोलता है कितना ईंधन खपत होता है, तो ये जो है समान होता है, तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है इंजेक्टर का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टर का दूसरा नाम है ऑटोमाइजर।
नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय क्या होता है, तो जो है केवल साफ हवा आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कार्बोरेटर की समानता सेटिंग किस प्रकार की जाती है, तो इंजन को चलाकर या गर्म करके जो है कार्बोरेटर की समानता सेटिंग जो है की जाती है। नेक्स्ट है एक पंप के सिद्धांत निस्सरण और वास्तविक निस्सरण के बीच क्या अंतर होता है, तो जो होता है स्लिप का। नेक्स्ट है स्कूटर के टायर कितने प्लाई के होते हैं, तो जो है 1 से 4। एल्युमिनियम सिलेंडर लाइनर किस धातु के बने होते हैं, तो 3-2% के। डीजल इंजन में कंप्रेशन राशियों कितना होता है, तो 1:12 से 1:22। तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि 3 पहिए वाला मोटर गाड़ी कौन सी है, तो ये जो है विक्रम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्क्रेपर के प्रकार नहीं है, तो एकम, ये सारा जो है हम प्लेलिस्ट में पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जाकर आप डिटेल से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार से जलाते हैं, तो ये जो है दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके इसे जो है डीजल को जो है हम जलाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी बल्ब का समय से पूर्व खोलने को निम्न में क्या कहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं बल्बो लीड कहते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन में कम्बशन रेशियो क्या होता है, तो 1:4 से 1:10। नेक्स्ट है डीजल इंजन में कंप्रेसर निम्न में कितना होता है, तो 350 से 550 पर वर्ग इंच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि डीजल को जलाने के लिए निम्न में क्या ताप आवश्यक है, तो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। ये 20 क्वेश्चन MCQ है प्रीवियस ईयर का, जो रट्टा आप लोग को मार लेना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ट्रेड से ना छूटे। और मैकेनिकल का भी सारे करवा दिए हैं, तो वहाँ से भी जाकर आप जो है प्लेलिस्ट पे जाकर मैकेनिकल वाले आप वहाँ से जाकर वाच कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी वहाँ पे करवाए हैं प्लेलिस्ट पे, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो है भी करवा दिए हैं। और MCQ जो मोटर व्हीकल में जितने भी आएगा अभी और भी करवा रहे हैं फ्रेंड, लेकिन जो करवा दिए हैं वो आपको जाकर देखना है। तो और जो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मूल मोटिव होता है कि जो भी बिहार से जो भी ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट आता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है फ्रेंड्स जिनको जिनको जो है तैयारी करना होगा फॉरेस्ट गार्ड का, उस सिलेबस जानना चाहेंगे, तैयारी करना चाहेंगे, तो जो है हमें कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।